आज के इस वीडियो में हम गुलाब के पौधे की देखभाल के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के बाद आपको गुलाब की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि हम सर्दियों में अपने गुलाब से अधिक फ्लावरिंग ले सकें। दोस्तों, अगर गुलाब की बात की जाए तो सर्दियों में ही गुलाब के पौधे पर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। वैसे साल भर गुलाब के पौधे से अगर आप अच्छी देखभाल करेंगे गुलाब के पौधे की तो साल भर आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा फ्लावर कब आते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्लावर सर्दी के सीज़न में ही आते हैं। तो कुछ देखभाल करके अभी से अगर आप देखभाल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, अभी से देखभाल करना स्टार्ट कर देंगे, तो सर्दियों में आप अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मैं आपको बताऊंगा कि अभी यानी बरसात के बाद आपको गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, अपने प्लांट पे आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप गुलाब के पौधे से ज़्यादा फ्लावर ले सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम प्रूनिंग की। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप गुलाब के पौधे पर प्रून करते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में नए नए बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं और उन नए ब्रांचों में बहुत सारे फ्लावर निकलते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रूनिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, तो प्रूनिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। प्रूनिंग करने से आप अपने पौधे को मनचाहा रूप दे सकते हैं, आप अपने पौधे को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। और प्रूनिंग में दोस्तों जो पौधे का अनावश्यक भाग होता है, जो सूखा भाग होता है, जो रोगग्रस्त भाग होता है, जो टहनी पुरानी होती है, उनको हम काट देते हैं ताकि नई टहनी निकल पाए, नया ब्रांच निकल पाए और उसमें हम ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। बरसात के बाद आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें, चाहे आपने देसी रोज लगा रखा हो या फिर हाइब्रिड यानी जो ग्राफ्टेड रोज होता है, इंग्लिश रोज होता है, अगर आपने वो लगा रखा है तो उसके भी प्रूनिंग करें। और अगर आपने देसी रोज लगा रखा है तो उसके भी हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें। दोस्तों, हार्ड प्रूनिंग में पौधे को एकदम नीचे से काट दिया जाता है, कुछ हिस्सा नीचे का छोड़ के ऊपर से काट दिया जाता है, जिसमें नई नई बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और बहुत सारे ब्रांचेज में बहुत सारे फ्लावरिंग भी निकलते हैं। तो दोस्तों, बरसात के बाद आप अपने किसी भी रोज प्लांट पे, चाहे आपका देसी रोज हो या इंग्लिश रोज हो, दोनों रोज प्लांट को आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश रोज का प्लांट है और छोटा प्लांट है तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग ना करें, तब आप उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। जो दुर्बल रोगग्रस्त शाखाएं हों या घनी टहनियां हों, उनको आप निकाल दीजिए। अगर आपका इंग्लिश रोज का पौधा बड़ा हो गया है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात प्रूनिंग की। प्रूनिंग से हमें नई ब्रांच मिलेंगी, उसमें हमें ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। लेकिन पौधे के विकास के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, पौधे की अच्छे ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कि आपके प्लांट के जो जड़ है उसके चारों तरफ की मिट्टी को आप निकाल लीजिए। लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी आप ऊपर से निकाल के उसमें गोबर खाद, नीम खल और बोन मील, इन तीन चीज़ को मिला के आपको डाल देना है। गोबर खाद नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। कंपोस्ट खाद के साथ साथ आपको इसमें नीम खल भी प्रयोग कर देना है। और आप अगर आपके पास बोन मील हो तो आप बोन मील यानी हड्डी चूरा भी उसमें प्रयोग कर दीजिए ताकि आपके पौधे का विकास सही ढंग से हो पाए। कोशिश करें कि आप अपने पौधे में कोई रासायनिक खाद ना दें। बहुत सारी खादें आपको कंपोस्ट खादें मिल जाएंगी, जैसे आपके जैविक खाद हो गई, गोबर खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, इन सबको आप डालते रहें। अगर रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा रासायनिक खाद का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए अगर आप अपने घर में, अपने पौधे में, प्लांट में कोई खाद डाल रहे हैं। तो हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप इस कंडीशन में अपने फ्लावर प्लांट पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल प्लांट पे आपको रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अगर आप अपने पौधे में करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग जब सर्दी स्टार्ट होगी तब उसमें बहुत सारे फ्लावर आप ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है दोस्तों, आपको अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग से बचने रहना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो बहुत सारे उसके नुकसान होते हैं। तो जब भी आप देखें मिट्टी सूख रही है तभी आप अपने पौधे पर पानी दें। अगर आप देख रहे हैं कि मिट्टी में नमी है तो आप अपने पौधे पे पानी बिल्कुल ना दें। ऐसे कंडीशन में अगर आप पानी डालते रहेंगे तो उसकी जड़ें ख़राब होती रहेंगी और आपका पौधा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। ज़्यादा पानी देने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा सही से नहीं चल पाता है और आप सोचते होंगे कि हमारा पौधा भी सूखने वाला है। जो उसके फ्लावर भी आएंगे तो काफ़ी छोटे छोटे मात्रा में आएंगे। तो ये सब ज़्यादा पानी देने से भी बहुत सारे नुकसान आपके पौधे पर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप गुलाब के पौधे में एप्सम साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एप्सम साल्ट मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, नर्सरी से भी आप बाई कर सकते हैं। एप्सम साल्ट के अलावा आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फर्टिलाइज़र आपको इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। 15-20 दिन के अंतराल पर ही आप कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका बहुत जल्दी ही रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।